कि इंडिया में कुछ स्टेट्स में इलेक्शन करवाए गए हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में, क्या लगता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? हाँ यार, चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको पता, भी रिसेंटली राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए, वहाँ पे बीजेपी ने फिर क्लीन स्वीप किया, कांग्रेस और बाकी पार्टियों का कहीं पे कोई नाम नहीं था। तो यार डेफिनेटली बात है, इंडिया के लिए अगर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली थर्ड टाइम अगेन वो प्राइम मिनिस्टर बनने के हकदार भी होंगे और आई थिंक ही विल बिकम अगेन। अच्छा, जैसे आपने बोला है कि वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के हकदार में होंगे, क्या लगता है कि उनके क्या ऐसी सोच है या ऐसे क्या काम है अपनी आवाम के लिए, अपने देश के लिए, कि वो उनकी आवाम उनको थर्ड बार फिर सपोर्ट करने चाह रही है कि यही हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात हो सकती है? यार जब अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो उसका ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे तो अगर इंडिया की इकोनॉमी देखी जाए तो वो लास्ट 10 ईयर्स में अंडर मोदी रिजीम वो काफ़ी बूस्ट की है। इंडिया आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया है, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी की कंपनीज हैं वहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी सीईओज चेयरमैन हैं वो सारे के सारे इंडियन ओरिजिन के हैं। तो देयर इज़ अ रीज़न के वाई इंडिया के अंदर एक जो पोटेंशियल है आईटी को लेके, बाकी सेक्टर्स को लेके, इकोनॉमी को लेके, वो काफ़ी बूस्टअप किया है। इंडिया इज़ मेकिंग अ नेम इन द इंटरनेशनल मार्केट, सो इसका क्रेडिट मोदी को जाता है। तो डेफिनेटली बात है कि उसकी आवाम भी उसको अगेन लेके आएगी, यानी सपोर्ट करना चाहेगी। हाँ डेफिनेटली बात। और इसके अलावा एक फैक्टर तो ये भी है कि ऑब्वियसली बात है उधर एक हिंदू नेशनल्स और हिंदू मेजोरिटी स्टेट है, तो मोदी इस चीज़ को हमेशा से कैश करवाता आया हुआ है और वो हिंदू नेशनलिज्म पार्टी के थ्रू अपने बीजेपी को प्रूव करवा के वो हमेशा से इस चीज़ को कैश करवाता है। और डेफिनेटली बात है अपकमिंग इलेक्शन के अंदर भी वो इसको कैश करवाएगा। और मैंने अफगानिस्तान में, मैंने पाकिस्तान में, मैंने यहाँ पे, मैंने ये करवा दिया तो वोट ले लेंगे। हाँ वो ये चीज़ें चलती हैं, वो पॉलिटिक्स ये खेलेगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेल लेगा या अपने नेबर कंट्रीज़ के अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेल के उसको कैश करवा के वो डेफिनेटली बात थर्ड टाइम फिर आएगा प्राइम मिनिस्टर बन के। ठीक हो नरेंद्र मोदी की, हाँ। इस टाइम इंडिया में कुछ स्टेट्स में इलेक्शन करवाए गए हैं जहाँ से मोदी सरकार विन हो गई है, तो क्या लग रहा है कि मोदी सरकार जो है वो आने वाली इंडिया की थर्ड टाइम जो कर रहे, दो बार तो पहले वजीर आजम रह चुके हैं, अब ये तीसरी अटैम्प है उनकी, तो क्या लगता है कि तीसरी बार भी वो वही प्रधानमंत्री बनेंगे? यार मेरे ख्याल से शायद बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इंडिया के लिए, लाइक आईटी को कहां से कहां पहुंचाया है उन्होंने। उसके अलावा अगर हम देखें रुपए की, जो इंडियन रुपीज़ हैं उसकी कीमत बहुत इंक्रीज़ हुई है ये पीएम मोदी के दौर में। डेफिनेटली उसके अलावा अगर हम बात करें उनको टेक्नोलॉजी वाइज, तो एप्पल ने उधर अपना एप्पल स्टोर बनाया है, ऑफिशियल एप्पल स्टोर है जो कि पहले नहीं था। आईफोन 15 लॉन्च किया, बिल्कुल आईफोन 15, मतलब एप्पल स्टोर बनने से तो सब कुछ आ गया एप्पल का। इसी तरह और उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं इंडिया के लिए, लाइक आप कह सकते हैं जैसे उन्होंने और भी किया है, सिविकल इंजीनियर सिविकल इंजीनियर देख लें, हाँ। और टेक्सला जो इस टाइम सबसे अमीर बंदा है एलन मस्क, उसकी ब्रांडिंग वहाँ पे की जाती है। इंडिया इज़ द बिग मार्केटिंग, तो मोदी सर काम अगर करता रहा तो प्राइम मिनिस्टर यही है, ऐसा ही है। और क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल से मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इंडियंस के लिए अच्छी है। यार ये तो थोड़ा सा कंफर्म है कि क्योंकि कांग्रेस की एज सच मकबूलियत नहीं है, उन्होंने बंगाल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट उनकी जो मेन होल्ड्स है जैसे हैदराबाद हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पर इस तरह कॉन्फिडेंट उनको वोट नहीं मिल रहा। जो मर्जी है, लेकिन हमारे लिए तो ये नहीं है कि हम नहीं सपोर्ट कर सकते मोदी को, लेकिन उनके इंटर्म के लिए, उनके अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपनी आवाम के लिए मोदी ने जो सर्विसेज दी हैं, तो डेफिनेटली बनता है उनका ही सिलेक्ट होना उनके लिए। एक इतनी बड़ी नेशन को एक बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज और इतनी बड़ी आबादी को लेकर चलना चलाया है, ठीक है वो यस वी ही एक्सट्रीमिस्ट, वो है उनके थोड़े से राय माइनॉरिटीज़ के लिए खिलाफ हैं, लेकिन उनकी जो मेजॉरिटी है वो उनके हक में है, तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फॉर द रीजन, एशियन रीजन, ये थोड़ा सा डाउनफॉल होगा कि यार कि आप फिर उसी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक हो गया। हम दूसरा मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आपको पता है कि मोदी ने दो सरकारें चला ली हैं, दो बार वजीर आजम बन चुके हैं, ये थर्ड टर्म वो अटैक कर रहे हैं, और जितनी उनकी इंडिया की आबादी है वही 10 सालों के अंदर जिसे हम कहते हैं कि एक तरक्की के मुकाम पर आई है, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी आईटी का देख लें, ये सब मोदी के अंडर ही हुआ है, तो क्या आवाम इस चीज़ को देखकर सपोर्ट कर रही है? यार देखिए बेसिकली कहीं के भी आवाम है ना, बेशक आप अमेरिकन लगा लें, जो उधर की भी लगा लें, आवाम देखती है एग्जीक्यूट किस तरह हुआ है, ठीक है।
उनके पायनियर्स को नहीं देखती। जितने भी इसके प्रोजेक्ट्स थे वो स्टार्टेड मनमोहन सिंह के दौर में हुए, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान के हैं, दयामिर बादशाह डैम है, स्टार्टेड इन भुट्टो दौर, ठीक है, एग्जीक्यूटेड हुआ है फिर जाके मुशर्रफ दौर में, लेकिन उसका सारा इनॉग्रेशन की है, उस सारा क्रेडिट दूसरी गवर्नमेंट ले जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी नेशंस के कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं वो इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उस पर, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए 10-12 साल लगते हैं। तो वो जो इसके प्रोजेक्ट्स थे वो मनमोहन सिंह के प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने आके एग्जीक्यूट किए, वो इनके नाम पे बन के। बेसिक चीज ये, इस गवर्नमेंट जो इनका नेक्स्ट टर्म आएगी उसके अंदर डिसाइडेड होगा कि इन्होंने कितने ग्रोथ की है। बिल्कुल ऐसे ही वो फिर वो इनके अपने प्रोजेक्ट जेन्युइन प्रोजेक्ट्स होंगे कि इन्होंने किया है। लेकिन नो डाउट जिस तरह मोदी ने इंडिया को चलाया है, जिस तरह उनकी इकॉनमी को स्टेबल किया है, एक देखें नो डाउट हम सबको पता कि बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही उस मार्केट को कैश करवाया है इन अ बेटर मैन। बिल्कुल ऐसे ही उससे अच्छा बेटर मैनर में कोई और कैश नहीं करवा सकता जिस तरह मोदी ने करवाया, ठीक है। ये लॉयल्टी होती है आपकी टुवर्ड्स योर कंट्री, टुवर्ड्स योर रिलीजन, ये चीज़ है। पाकिस्तान में ये चीज़ लैक करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो लैक करती है, जिसकी वजह से हम बाहर वालों को मौका देते हैं, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट के लिए, उनके आवाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल ऐसे ही, यानी नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम वज़ीर आज़म बन सकते हैं इंडिया के? या डेफिनेटली, तो चीज़ें वाजें हैं, नज़र आ रही हैं कि वो बन सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट हैं जहाँ पर वो अपसेट होंगे, जैसे बंगाल है, बंगाल में साउथ इंडिया ले लें, साउथ इंडिया है, बंगाल है, थोड़ा सा जो आपके कॉर्नर्स आपकी आबादियाँ कहते हैं उस तरह के उधर होंगे, लेकिन जो आपके मेजर है वहाँ पर भिन्न है, वहाँ पर इनकी मिन्न है, जहाँ पर इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है।